सेक्स डिटर्मिनेशन इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो आप बोलोगे कि सर हायर वर्टिब्रेट्स क्यों, रीजन क्या है हायर वर्टिब्रेट्स बोलने के पीछे, पर्पज क्या है? इसके पीछे पर्पज ये है हायर वर्टिब्रेट्स बोलने के पीछे कि अभी जो मैं चीजें समझाने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ हायर वर्टिब्रेट्स में ही होता है, ठीक है, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में नहीं होता। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ह्यूमन मेल का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें, अभी हम यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो एक्सेप्शन होंगे ना वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल के केस में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे वो 46 होंगे, और अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो वहां पे भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 ही होंगे, दोनों में 46 ही होंगे। हाँ, एप्स एंड मैमल्स, बिल्कुल। यहाँ पे जो टोटल क्रोमोजोम है 46, इसको हम लोग 44 प्लस एक्स वाई से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग एक्स वाई क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये जो है ऐसा दिखता है एक्स की तरह और दूसरा वाला वाई की तरह दिखता है इस तरह से, इसलिए इसको एक्स वाई बोलते हैं। फीमेल के केस में 44 प्लस एक्स एक्स होता है, तो एक्स एक्स बोलने से आप समझ तो गए होंगे कि दोनों एक्स की तरह दिखेगा, इसलिए हम लोग इसको एक्स एक्स बोलते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स। अब जब यहां पे 44 हो गया ना, 44 45 46, 44 45 46, यहां पे जब गैमिट की फॉर्मेशन होगी तो इस हर एक पेयर में से ये एक्स है और वाई है, ये एक्स है और एक्स है, इस हर एक पेयर में से जो 22 पेयर यहां पे हैं, उस 22 पेयर में से हर पेयर से एक एक क्रोमोजोम पास होगा 22, और इस दोनों में से कोई एक पास होगा, दैट विल बी एक्स। या फिर क्या हो सकता है, 22 प्लस वाई। कहने का मतलब कि मेल के केस में दो तरह के गैमेट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। एक नॉर्मल मेल की अगर हम बात करें तो उसमें 50% ऑफ द गैमेट विल हैव एक्स टाइप ऑफ द क्रोमोजोम एंड 50% ऑफ द गैमेट विल हैव वाई टाइप ऑफ द क्रोमोजोम। ओके बच्चों, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें, ह्यूमन फीमेल की, तो वहां पे सिर्फ एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, इसमें से 44 में से 22, इस दोनों में से एक कोई एक्स, 22 प्लस एक्स। यहाँ पे जितने भी गैमेट है सब एक ही तरह के, जो भी गैमेट बनेगा सब एक ही तरह का गैमेट बनेगा। दैट इज द रीजन मेल, ह्यूमन मेल जो है दैट इज कॉल्ड एज हेटरोगैमस। ह्यूमन मेल इज कॉल्ड एज हेटरोगैमस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोगैमस। हेटरोगैमस, हेटरो वर्ड का मतलब क्या, हेटरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, गैमस वर्ड का मतलब क्या हुआ, गैमीट। गैमस वर्ड मतलब गैमीट, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट की फॉर्मेशन हो। आप यहां पे देखो, एक गैमेट में एक्स क्रोमोजोम है, एक गैमेट में वाई क्रोमोजोम है, मतलब 50% ऑफ द क्रोमोजोम, मतलब गैमेट विल हैव एक्स टाइप ऑफ द क्रोमोजोम एंड 50% विल हैव वाई टाइप ऑफ द क्रोमोजोम, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेटरोगैमस। मेल इज कॉल्ड एज हेटरोगैमस एंड फीमेल इन दिस केस इज कॉल्ड एज होमोगैमस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगैमस बोलते हैं। अब ये वाली जो मेल गैमिट है, ये मेल गैमिट, ये वाली मेल गैमिट, इसके साथ जब फ्यूज करेगा, अगर मान लीजिए ये दोनों फ्यूज किया, या अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाली मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करे, अब दोनों में से जो भी फ्यूज करे, अगर ये फ्यूज करता है 22 प्लस एक्स, इस 22 प्लस एक्स के साथ फ्यूज करेगा, तो 22 इधर से और 22 इधर से 44 हो गया, और यहां से भी एक्स और यहां से भी एक्स, फिर से एक्स एक्स हो गया। कहने का मतलब कि ये जो है, दिस टाइप ऑफ द फ्यूजन इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ फीमेल बेबी, ये एक फीमेल बेबी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां से 22, यहां से 22, 44, यहां से एक्स और यहां से वाई, एक्स वाई, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मेल बेबी, ये एक मेल बेबी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम एक बात क्लियरली बोले आपको कि दिस इज ओनली मेल हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल चाइल्ड,
only male is responsible for male and female child. It is never a female who is responsible for male or female child. देखिए ना, बिल्कुल आपके सामने क्लियर है ना, बिल्कुल आपके सामने क्लियर है ना, बिकॉज फीमेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द गैमेट. तो वो कैसे रेस्पॉन्सिबल हो सकती है मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए? इट इज ओनली मेल हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल चाइल्ड, बिकॉज 50% ऑफ द गैमेट हियर इज कैरिंग एक्स क्रोमोजोम एंड 50% ऑफ द गैमेट इन मेल इज कैरिंग वाई क्रोमोजोम. तो जब जिसकी फ्यूजन हो, दिस इज जस्ट द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी ना, कि किस टाइप के गैमेट की फ्यूजन हो रही है वहां पे. तो जैसे मान लीजिए कि आप दो बार कॉइन को टॉस करो, दो बार कॉइन को टॉस करो, तो दोनों बार हेड भी आ सकता है, दोनों बार टेल भी आ सकता है, दोनों में से एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है. अगर किसी घर में दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे में से कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है. और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों ही मेल हो जाए, ये भी जरूरी है नहीं है कि दोनों फीमेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है. दिस इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी, जैसे आप दो बार कॉइन को टॉस करते हो. लेकिन आप एक बड़े स्केल में देखो, अगर आप पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की बात करो, तो द चांसेस विल बी 50-50 ना, मेल और फीमेल के चाइल्ड की रेशियो जो होगी दैट विल बी जस्ट अराउंड 50-50. आप 1000 बार कॉइन को टॉस करो, तो वहां पे मेल, वहां पे जो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी अराउंड 50-50. आप अगर 1,00,000 बार टॉस करो, प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेट हो जाएगी. तो दिस इज जस्ट द चांसेस कि कौन सा बेबी वहां पे प्रोड्यूस होगा. ओके बच्चों, चलिए ये हो गया. अब यहाँ पे इसके कुछ है, तो इसकी रेशियो क्या हो गई, मेल और फीमेल बेबी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी जो रेशियो होगी दैट विल बी जस्ट 1:1. कहने का मतलब 50% का रेशियो होगा दोनों का, ठीक है, जस्ट 50-50% का रेशियो होगा दोनों का. एनी डाउट किसी को? अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. सबसे पहले एक्सेप्शन नंबर वन, सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो है कि इन द केस ऑफ अर्थवर्म, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, अर्थवर्म का केस अगर याद करो, तो अर्थवर्म जो है इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा. इन वन बॉडी. तो देखो यहां के केस में अर्थवर्म जो है इसके एक्सेप्शन में आ गया. लिजर्ड और टर्टल के केस में, लिजर्ड और टर्टल के केस में क्या होता है कि जो इंक्यूबेशन की टेम्परेचर होती है दैट इज गोइंग टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इंक्यूबेशन टेम्परेचर विल डिसाइड सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा दैट इज गोइंग टू डिसाइड बाय द इंक्यूबेशन टेम्परेचर. इंक्यूबेशन किसको बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह जो होती है वो एग ले करने के बाद उसके ऊपर में बैठ करके उसको बॉडी की वार्मथ प्रोवाइड करती है. ये जो बॉडी की हीट प्रोवाइड करने की प्रोसेस होती है, वार्मथ प्रोवाइड करने की प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनक्यूबेशन टेम्परेचर. दिस प्रोसेस इज इनक्यूबेशन टेम्परेचर. तो दैट इज गोइंग टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. स्नेल के केस में क्या है, स्नेल अकॉर्डिंग टू नीड जो भी गैमिट की प्रोडक्शन करना चाहे कर सकते. इट कैन प्रोड्यूस gametes according to need. जब उसकी नीड होगी मेल गैमेट प्रोड्यूस करने की तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जब उसकी नीड होगी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने की तो वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट इज द केस विद हनी बी. हनी बी के केस में क्या होता है, हनी बी के केस में आपने पढ़ा होगा शायद, एक मेल बी होता है,
दूसरा वर्कर भी होता है और तीसरा होता है क्वीन भी। देखो अब जैसे मेल भी है तो मेल भी फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होता है, मेल भी का काम है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट। अब इसमें जो वर्कर भी है ना, वर्कर भी का काम क्या है, वर्कर भी जैसा नाम है ना इसका वही काम भी है, ये सिर्फ काम करता है, पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट किया, नेक्टर कलेक्ट किया, हनी प्रोड्यूस किया, ये सब काम जो है किसका है, वर्कर बी का, ठीक है, ये सब काम है वर्कर बी। अब वर्कर बी की जब प्रोडक्शन आप पढ़ोगे तो वर्कर बी जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेराइल एग, बाय अनफर्टिलाइज्ड एग। अब अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या हुआ जरा सोचिए, इसमें सिर्फ हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे, सोचो ना जरा, इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे, आधे ही सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे, इसलिए वो स्टेराइल होगा, ये स्टेराइल होगा। स्टेराइल करने का मतलब कि ये कभी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, स्टेराइल का मतलब ये हुआ कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता कभी, ठीक है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि स्टेराइल हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम है, तो उसमें कैसे गैमेट की प्रोडक्शन हो। क्वीन बी, क्वीन बी का काम सिर्फ एक है, दैट इज टू प्रोड्यूस एग, दैट इज टू प्रोड्यूस एग, एग की प्रोडक्शन। तो यहां पे अब जो है मेल बी, वर्कर बी और क्वीन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां के केस में, इस सारे केसेस में अगर हम बोले कि यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, एक्सेप्शंस ये डिटरमाइन कर रहे हैं बच्चों कि इन द केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जितने भी एक्सेप्शंस हमने पढ़े, इस सारे एक्सेप्शंस केस में क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है, अर्थवर्म हो, लिजर्ड हो, टर्टल हो, स्नेल हो, हनी बी हो, इस सब के केसेस में क्या रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ये आ रही है कि सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड ओनली इन द केस ऑफ हायर बर्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं वेयर सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द जीन, दे आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन, दे आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स। देखो ना, इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहीं पे डिसाइड कर रही है, कहीं पे उसकी नीड डिसाइड कर रही है, कहीं पे जो है एक ही ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनिज्म में, बॉडी ऑर्गन में दो, मतलब दोनों चीजें ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द जीन इन द केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द जीन, इट इज डिटरमाइंड बाय द जीन लाइक एक्स वाई इन द केस ऑफ हायर वर्टिब्रेट ओनली। ओके बच्चों।